वाह इफ्तिखार भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जिंदगी आपने मुशायरे को दी, थोड़े से और बेदार हो जाइए। वाह वाह वाह। अभी सिरसा में कांड हुआ, आप सब समझते हैं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। लोग दशहरे पर रावण के खाली पुतले जलाते हैं। क्या कहने, लोग दशहरे पर रावण के खाली पुतले जलाते हैं, बाबाओं के भेष में जिंदा रावण पाए जाते हैं। इनको सूली पर लटका दो, अब इनका इंसाफ करो, शौचालय की सोच से पहले ये कूड़ा तो साफ करो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। शौचालय की सोच से पहले क्या तेवर है, ये कूड़ा तो साफ करो। और मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी है, ये कितने हर जाई है, नारायण का नाम लबो पर तितली के शेदाई है। क्या कहने, वाह वाह। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कितने हर जाई है, नारायण का नाम लबो पर तितली के शेदाई है। और यहीं से सुने, ये गंगा जल को भी छूकर शराब करते हैं। क्या कहने, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। मेरे जो पीछे चचा जान बैठे हैं, थोड़ा अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए, फिर मेरा मूड बन जाएगा, मैं आपको सुनाऊंगा शेर। ये कहा के ये गंगा जल को भी छूकर शराब करते हैं, ये तितलियों का भी दागी शबाब करते हैं। तुम ऐसे भक्तों को जिंदा जला दो सड़कों पर, जो राम नाम की अजमत खराब करते हैं। तुम ऐसे भक्तों को जिंदा जला दो सड़कों पर, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, आपका सऊदी अरब, हिंदुस्तान, किन किन मुल्कों का नाम गिनवाऊं, उनका दर्द चार मिस्रों में पिरो कर लाया हूं। अगर आप सच्ची शायरी को भी इतनी खामोशी के साथ सुनेंगे, तो फिर तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। सुनिएगा, ये दर्द चार मिस्रों में पिरो कर लाया हूं, मेरी कौम का दर्द में किस हद तक कामयाब हूं आप बताएंगे। सुनिएगा, ये कहा कि कोई शिया है, वसीम भाई शेर सुने, कि कोई शिया है, कोई सुन्नी, कोई बरेलवी देवबंदी। क्या कहने, कोई शिया है, कोई सुन्नी, कोई बरेलवी देवबंदी, आपसी रंजिश के ये नताइज सारे धर्म धार गए, 1000 खुदा है जिनके एक हुए और जीत गए, एक खुदा को मानने वाले फिरकों में बट के हार गए। क्या कहने, वाह 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 इफ्तिखार भाई, वाह। 1000 खुदा है जिनके एक हुए और जीत गए, एक खुदा के मानने वाले फिरकों में बट के हार गए। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये रंग महल, ये मकबरे, ये जीटी रोड, अगर इन सबको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान रेत की शक्ल की मान्य दिखाई देगा। बेशक अभी योगी जी ने कहा है कि, और आजम खान साहब ने भी उनकी जबान को दोहराया है, मुझे अफसोस है हमारे रहनुमा ऐसी हरकतें करते हैं। मैं डाइज के हवाले से बोल रहा हूं, अगर सरहद पर सिपाही की गोली दुश्मन का सीना चीर सकती है, तो इधर शायर के कलम से निकला हुआ एक जुमला इनकलाब ला सकता है। ये मेरी आवाज पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। ताजमहल को अगर बताया गया कि ये गुलामी की निशानी है, इसको तोड़ देना चाहिए। उनको ये बता देना चाहता हूँ कि इसी ताजमहल की वजह से आज हिंदुस्तान पहले दर्जे पर है, 7 अजूबे दुनिया में है, सबसे पहले नंबर पर ताजमहल है। इसको गिराने से पहले अरबों मिलियन की जो कमाई आपने कर रखी है उसको वापसी कीजिए है। अगर ये इसको गुलामी की निशानी माना जा रहा है, तो जो बाबर हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए थे, उनकी नस्ल दर नस्ल यहां दफन हो गई। यहां तक के बहादुर शाह जफर ने, जब रंगून उनको ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, अंग्रेजों ने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बच्चों को देखना, ना कोई ख्वाहिश है, सिर्फ एक ख्वाहिश है, मुझे एक मिट्टी मुट्ठी मेरे वतन की दे दो, जब मेरी मिट्टी पर आप दफन करें मेरी मिट्टी को, तो ये मिट्टी मेरी मिट्टी पर डाल देना। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं वतन परस्ती। यहीं से चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा, कि इतनी वफाए, इतनी वफाए, तुझसे वतन कौन करेगा। जिंदगी दीजिए मुशायरे को, नौजवान आपका फर्ज बनता है, क्योंकि इतनी वफाएं तुझसे वतन कौन करेगा, आप मेरी कौम का मुस्तकबिल है। सुनिएगा, कि इतनी वफाएं तुझसे वतन कौन करेगा, आए थे गैर मुल्क से और जान दी तुझे। वाह, इतनी वफाएं तुझसे वतन कौन करेगा,
आए थे गैर मुल्क से और जान दी तुझे, दुनिया में पहले दर्जे पे आता है तेरा नाम, हमने बना के ताज को पहचान दी तुझे। क्या कहने, वाह 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 वाह। और ऐसा लगता है जब भी कोई गलत या बम विस्फोट या कोई गलत काम होता है तो उसमें हमारा नाम पेश किया जाता है। ऐसा क्यों? हमारा किरदार आज ये नाम इतना बदनाम हो गया, जैसा सारे बुरे काम की जिम्मेदारी हमने ही ले रखी हो। चार मिसरे पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान की झील के अंदर अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से कुछ परिंदे जनवरी और फरवरी में आते हैं। मैं कस्बा पुरकाजी का रहने वाला हूँ, वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक झील पड़ती है, उसमें जनवरी और फरवरी के महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से परिंदे आते हैं। यहीं से सुनिएगा, अगर मेरा ख्याल अच्छा है तो नौजवान साथी मेरा साथ दे, सुनिएगा कि जो सरहद पार से उड़कर यहाँ मेहमान आते हैं, जो सरहद पार से उड़कर यहाँ मेहमान आते हैं, यहाँ मेहमान आते हैं, ये उनकी चहचहाहट को बिस्तर का दर्द लिख देते। ये अच्छा है, परिंदों का कोई मजहब नहीं सागर, नहीं तो ये परिंदों को भी दहशत गर्द लिख देते। वाह वाह। नहीं तो ये परिंदों को भी दहशत गर्द लिख देते। जुल्म का जब भी संविधान लिखा जाता है, जुल्म का जब भी संविधान लिखा जाता है, जब भी संविधान लिखा जाता है, मेरी तकदीर में जिंदान लिखा जाता है, खून मजलूम बहाते हैं ये नफरत के सफीर, बम के माथे पे मुसलमान लिखा जाता है। वाह 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 वाह। अब मैं वो नज्म पढ़ने जा रहा हूँ जिसका मुझे हुक्म है, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। एकक मिसरा तवारीखी जामा पहने हुए है, अगर हर मिसरे में सच्चाई हो तो आप बेदार होके मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उससे पहले ही माहौल बताइए जनाब इफ्तिखार सागर हो, क्या आप वाकई संजीदा होकर सुनना चाहते हैं? सुनिएगा, बताओ। ये किसके ख्वाब है रंगी, हसी ताबीर किसकी है, ये किसके ख्वाब है रंगी, हसी ताबीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी, असल तदबीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी। मेरी कौम के बच्चों को पता लगना चाहिए आजादी में कितने नाम, कितने उलामाए दीन ने कुर्बानी दी। जब इनको पता लगेगा तो इनको पहचान बनेगी कि हाँ, हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान में कितनी कुर्बानी दी, कितना सेक्रीफाइस दिया। सुनिएगा। भगत आजाद ने माना, वतन पर जान लुटाई थी, तो हमने भी तो सीनों पर हजारों गोली खाई थी, तो हमने भी तो सीनों पर हजारों गोली खाई थी, हमीद अशफाक और टीपू वतन को लाल बख्शे हैं, अजायब घर में रखे ये सरोसामान किसके हैं, फलक से बात करता ये कुतुब मीनार किसका है, जलालुद्दीन अकबर सा यहाँ किरदार किसका है, जलालुद्दीन अकबर सा यहाँ किरदार किसका है। अब जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और आप तवारीख से मोहब्बत करते हैं, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो आप इस मिसरे पे खामोश नहीं रहेंगे। फलक से बात करता ये कुतुब मीनार किसका है, जलालुद्दीन अकबर सा यहाँ किरदार किसका है, तिरंगा जिस पे लहराते हो वो जागीर किसकी है। क्या कहने, वाह 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 वाह। थोड़ा इसका बेस कम करो। तिरंगा जिस पे लहराते हो वो जागीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी, असल तदबीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी, असल तदबीर किसकी है। डॉक्टर ओक ने अपने लेख में कहा है कि ताजमहल ताजमहल नहीं था, इसको
शाहजहां ने कब्जा करके मोहब्बत की शक्ल में तब्दील कर दिया। ये शिव मंदिर था जिसको 20,000 मजदूरों ने बनाया, 20 बरस तक बनाया, उसकी तवारीख को झुठलाया जा रहा है। मैं बंद हाजिर करता हूँ, अगर सच्ची बात है तो आप मेरी आवाज से आवाज मिला दे। बताओ किसने भारत का मुकद्दर जगमगाया था, वो कोहे नूर हीरा ताज में किसने लगाया था। खड़ा जमुना किनारे ताज बनके शान भारत की, करोड़ों की तुमने जिससे रोजा ना तिजारत की। हकीकत से बताओ तुम क्यों अपना मुंह छुपाते हो, मोहब्बत की निशानी को विश्व मंदिर बताते हो, मोहब्बत की निशानी को विश्व मंदिर बताते हो। अब शिरकत कीजिएगा। लिखी अरबी ज़बां में संग पर तहरीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी असल तदबीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी असल तदबीर किसकी। महारानी करुणावती ने जब अंग्रेजों ने उन पर हमला बोल दिया, उनकी जान खतरे में थी, तो हुमायूं को एक धागा भेजा था। आपको बता दूं, आप पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता देना चाहता हूं, जिसको आज रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। हुमायूं ने अपनी जान पर खेलकर अपनी मुंह बोली बहन की जान बचाई थी, वहां से ये त्योहार चला। इसको कहते हैं किरदार, इसको कहते हैं मुसलमान। सुनिएगा। बताओ रक्षाबंधन का चलन किसने चलाया था, लगाकर जान की बाजी बहन का घर बचाया था, लगाकर जान की बाजी। मैं नहीं कह रहा हूँ, तवारी कह रही है, ये बात सच्ची है। वाहिद अंसारी यहाँ तशरीफ रखते हैं, बहुत मोतबर शख्सियत, ये बंद उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। लगाकर जान की बाजी बहन का घर बचाया था, वफा जो धास की और कान्हा को झूला झुलाया है, मोहब्बत का सबक यूं भी जमाने को सिखाया है। अब वो बहादुर शाह जफर का बंदा रहा है। वफा जो धास की और कान को झूला झुलाया है, वतन से कर लो अंदाजा उन्हें कितनी मोहब्बत, बिछड़ते वक्त एक मुट्ठी जफर को खाक हसरत, बिछड़ते वक्त एक मुट्ठी जफर को खाक हसरत, रही जो मर्त दम तक हाथ में शमशीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी असल तदबीर किसकी है, दिलाई किसने आजादी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ आपकी जहमत है तमाम। दिल्ली से लेके लाहौर तक उलमाए दीन की हाफिज़ो कुर्रा की लाशें पेड़ों पर टंगी हुई थी। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा बलिदान दिया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। इसमें हिंदुस्तान में हिंदू का भी इतना हिस्सा है, मुसलमान का भी इतना हिस्सा है। सुनिएगा। वतन को किसने गौरव की गुलामी से छुड़ाया था, हजारों हाफिजो कुर्रा ने अपना सर कटाया था। जितने सरों पर टोपियां रखे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, इस मेरी आवाज से आवाज मिला है कि वतन को किसने गौरव की गुलामी से छुड़ाया था, हजारों हाफिजो कुर्रा ने अपना सर कटाया था, हमी ने तोप तोड़ी थी, हमी ने टैंक तोड़े थे, हमी तो मर्द मैदा है, हमी ने तुमको जोड़े थे, मदारिस मदरसों से नारे तकबीर गूंजी थी, गुलामी की यहाँ हमने हितो जंजीर तोड़ी थी। अब वो मिसरा देने जा रहा हूँ जिस पे आपकी जिम्मेदारी बनती है। गुलामी की यहाँ हमने हितो जंजीर तोड़ी थी, मदारिस मदरसों से नारे तकबीर गूंजी थी, उड़े दुश्मन के जिससे होश वो तकबीर किसकी है। क्या कहने,
दिलाए किसने आज़ादी, असल तदबीर किसकी है, दिलाए किसने आज़ादी, असल तदबीर किसकी। जिंदाबाद।